अगर आप शराब पीने के शौकीन हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। कहीं आपको नकली व जहरीली शराब तो नहीं मिल रही है? जी हाँ, आज फिर रायबरेली में एक अवैध नकली शराब की फैक्ट्री का बछरावा पुलिस ने भंडाफोड़ किया है, जिसमें पुलिस को भारी मात्रा में निर्मित नकली शराब स्टीकर व बोतलें बरामद हुई है। दरअसल रायबरेली जिले के बछरावा थाना क्षेत्र के कुसली खेड़ा गाँव में एक मकान में अवैध शराब फैक्ट्री का गोरख धंधा चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर कोतवाल रविंद्र सिंह अपनी पुलिस टीम के साथ जब छापेमारी की तो लाखों की कीमत की निर्मित अवैध नकली शराब के साथ साथ स्टीकर व बोतलें भी बरामद हुई है। पुलिस ने 10,188 क्वार्टर बनी बनाई शराब भी बरामद की है। वहीं यह गोरख धंधा संचालित करने वाले लोग मौके से फरार हो गए। पुलिस को मौके से एक वैन व जिस घर में यह अवैध फैक्ट्री संचालित हो रही थी उस महिला को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि इस अवैध शराब फैक्ट्री के तार पंजाब से जुड़े हैं और वहां से अवैध शराब बनाने के उपकरण व शराब लाया जाता है और फिर मकान में चोरी छिपे अवैध नकली शराब को बोतलों में भरकर बकायदा स्टीकर चस्पा कर मार्केट में उतार दी जाती है। वहीं पुलिस की माने तो एक अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है, इसी आधार पर एक लंबा गैंग भी जल्द पकड़ा गया। बछरावा थाना क्षेत्र में लगभग 1800 लीटर शराब बरामद हुई है। ये अवैध शराब है, इसमें एक महिला जो कि इसके संचालन में भागीदार पाई गई है उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ में श्री सिंह रैपर ढक्कन और उसको जिस गाड़ी से जगह जगह पर पहुंचाया जाता था उसको पकड़ा गया है। इसमें बहुत बड़े गैंग की हमें सूचना मिल रही है कि बड़ा गैंग हो सकता है। हम इसमें एक एक पहलू का बहुत गहराई से जांच करेंगे और किसी भी दोषी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। कहां से लाते थे, कैसे क्या? अभी तक हम इसमें प्राथमिक जांच की अवस्था में हैं, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन हम इसके बाद का पूरा पता लगा लेंगे। इनका पूरा चेन जो है वो कहां से आता था और कहां तक इसकी सप्लाई होगी। किस तरह के ब्रांड बनाते थे, इंग्लिश या देसी? ये देसी ब्रांड ही बनाते थे और जो ये ठेके हैं उनके भी हमें सूचना मिली है कि शराब के ठेकों पर इसकी सप्लाई की जाती थी। इसकी पूरी जांच, पूरी एक एक तह में जाकर के इसकी तहकीकात की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसमें कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और इसमें जो लोग शामिल हैं उनको हम लोग शराब माफिया के रूप में चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और इससे भी बड़ी धाराओं में कार्रवाई करेंगे। लगभग अभी तक की जो अनुमानित कीमत है वो लगभग 8 लाख रुपये की शराब है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।